हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक और नए वीडियो में। क्या मसीह दीपावली मना सकते हैं? उनके लिए सही या गलत? जो भैया दीपावली मनाता है वह मनाएगा ही, उसको कोई मना नहीं कर सकता है, क्योंकि वह अभी संसार का है। यीशु ने कहा है, जो मुझसे प्रेम करता है तो वह मेरी आज्ञाओं को भी माने। एक दिन दीपावली त्यौहार मनाने से आपकी उम्र लंबी नहीं हो जाएगी भैया, ठीक है? आज मनुष्य दूसरों को बिगाड़ने के लिए जादू टोना टोटका करता है कि इसकी बीमारी उसके ऊपर चली जाए, ठीक है? आज यही तो हो रहा है। लोग अपने घरों को चमचमा लेते हैं दीपावली से, मोमबत्ती से सजा तो लेते हैं, परंतु जो उनके मन के अंदर अंधकार रहता है वो कैसे दूर होगा? वो तो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दूर हो सकता है। आज मनुष्य कुछ भी बाकी नहीं रखता है, फिर भी उसके जीवन में दुख तकलीफ ही रहती है, शांति नहीं है। शांति के लोगों को प्रभु यीशु मसीह दे सकता है। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बताएंगे कि वो तो यीशु मसीह में हो गया है, उसका धर्म बदल लिया, उसने अपना धर्म बदल लिया है। यीशु किसी का धर्म नहीं बदलता है, यीशु जीवन बदलता है। आज मनुष्य कुछ भी बाकी नहीं रखता है। आज मनुष्य अपने हाथ की बनाई मूर्तियों का के सिर झुकाता है, चढ़ावे चढ़ाता है, परिक्रमे लगाता है, फिर भी उसके जीवन में दुख तकलीफ ही रहती है, शांति नहीं है। शांति के लाभ को प्रभु यीशु मसीह ही दे सकता है, प्रभु यीशु मसीह ही दे सकता है। यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो कोई मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में न चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। आज मनुष्य दिवालिया मनाता है, बम पटाखे दगाता है, नए नए कपड़े पहनता, अपने घरों को दीपकों से सजाते हैं। कोई तो तेल के दीपक जलाएगा, कोई तो घी के दीपक जलाएगा, और अपने घरों को पूरा चमचमा लेते हैं। मगर जो उनके मन के अंदर अंधकार रहता है वो नहीं दूर होगा। वो कैसे दूर होगा? वो सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा दूर हो सकता है, यीशु मसीह उसको दूर कर सकता है। आज मनुष्य कुछ भी बाकी नहीं रखता है। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ मेरे प्रियो, संसार शैतान का है, शैतान के वसले पूरा संसार पड़ा हुआ है, ठीक है? शैतान नहीं चाहता कि आप स्वर्ग जाएं, ठीक है? अनंत काल का जीवन पाए, शैतान कभी नहीं चाहता मेरे प्रियो, कभी नहीं। यूहन्ना 8:12 में लिखा हुआ है, यीशु ने उन लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो कोई मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा, परंतु वह जीवन की ज्योति पाएगा। पहला यूहन्ना 2:15-17 में लिखा हुआ है, तुम ना तो संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है मेरे प्रियो, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषाएं और आंखों की अभिलाषाएं और जीविका का घमंड है, वह पिता की ओर से नहीं है मेरे प्रियो, वह शैतान ही की तरफ से है। और शैतान और उसकी अभिलाषाएं दोनों एक दिन मिट जाएंगी, मिटते जाती हैं, परंतु जो मसीह परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा, टिका रहेगा। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों एक दिन मिट जाएंगी मेरे प्रियो, ठीक है? आप परमेश्वर की इच्छा पर चलिए, ठीक है? आगे रोमियो 12:2 में लिखा हुआ है, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। अब आप मसीह में आए हो, तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाना चाहिए, ठीक है? पुराने बातें बीत गई, देखो सब नया हो गया है, ठीक है? आज मनुष्य दिवालिया मनाता है, अपने घरों को तो चमचमा लेता है, ठीक है? सत्य को जानो, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। आप सभी को जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू, आमीन।